हेलो हाय नमस्ते प्रणाम पहलाग, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट गिरधर भंगारी फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इससे पहली वाली वीडियो हमने आपको रुद्रनाथ मंदिर तक की दिखाई थी और दर्शन कराए थे मंदिर के। तो अब हम जा रहे हैं वापस सगर गांव की ओर, जहां हमने अपनी बाइकें पार्क की हैं। तो हमारे साथी आ रहे हैं पीछे से और यहाँ पर सनराइज हो गया है तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं सामने। ये देखिए पूरी रेंज, इधर नंदा देवी और की पहाड़ियां दिखती हुई, द्रोण पर्वत भी दिखता हुआ। अभी सूरज उग चुका है और ये सामने देखिए, ये सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना हो चुका है और यहाँ पर बुग्याल देख रहे होंगे आप, बहुत खूबसूरत, और आसमान भी बहुत ही नीला है। और ये देखिए घास के ये मैदान, और सामने आपको भेड़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो जो भेड़ पालक हैं वो बुग्यालों में अपने भेड़ों को गर्मियों के समय बुग्यालों की ओर ले आते हैं, और जब सर्दी होती है तो वो नीचे की ओर चले जाते हैं। ये आपको इस टाइप के फूल नज़र आएंगे जब आप इस ट्रैक पर आएंगे। देखिए आगे वाली बुग्याल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको भेड़ भी नजर आएंगे, और ये हैं कुत्ते यहाँ इन भेड़ों की रखवाली करने के लिए। ये हैं भेड़, देखो आप पूरे, ये सुबह सुबह भेड़ पूरे बुग्यालों में घास चरने पहुंच चुके हैं। रुद्रनाथ से जब आ रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा माँ अनसुईया माता जी का जो मंदिर है, उसके लिए यहाँ से एक ट्रैक जाता है ये ऊपर की ओर। तो ये रास्ता मंडल में मिलता है, तो इधर से आप माँ अनसुईया देवी जी के मंदिर पर जा सकते हैं। ये देखिए आप शानदार बृहंगम दृश्य और बुग्यालों का ऊपर। तो इधर से भी है माँ अनसुईया माता जी का जो मंदिर है, इस रास्ते भी आप ट्रैक कर सकते हैं यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और ट्रैक करना चाहते हैं। तो आपको रुद्रनाथ जी के मंदिर तक का यह ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद माँ अनसुईया माता देवी जी के मंदिर तक भी यहाँ से एक ट्रैक निकलता है, तो आप मंडल तक उस ट्रैक को कर सकते हैं यहाँ से। तो आप जरूर आए रुद्रनाथ महादेव के इस मंदिर में, जहाँ पर रुद्र रूप में भोलेनाथ जी विराजमान हैं। हम आ चुके हैं ऊपर वाली धार पे और नब्बू भाई यहाँ पे हैं, और ये देखो कुत्ते, और ऊपर देखिए आप वहाँ पर। तो ये इस धार पे देखिए आप, वो काकड़ है ऊपर, देखिए वो ढैया में, देखिए आप धारा भी है। तो यहाँ पर सभी स्नान कर रहे हैं और यहाँ से नहा धो के सभी आगे की ओर जाएंगे, और जोशी जी भी आ चुके हैं। तो आ चुके हैं सभी साथी लोग और कुछ नीचे से आ रहे हैं। तो आप आ चुके हैं चढ़ाई, सभी शांति अब पितृधार पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए रास्ता कुछ खड़ंजा वाला है यह पूरा ट्रैक, और नीचे का दृश्य। तो बस कुछ ही मिनटों में हम पितृधार पर पहुंच जाएंगे, वो सामने है पितृधार। ये देखिए ये हमारे शांति लोग चल रहे हैं और ये सामने है पितृधार ये। तो चलते हैं पितृधार की तरफ, और इस ये सामने पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हुई सुबह सुबह धूप की किरणों के साथ चमकता हुआ। तो चलते हैं पितृधार पर, मिलते हैं अपने ही साथियों से एवं अन्य साथी पीछे से आ रहे हैं। ठंडी ठंडी
हवाएं भी चल रही हैं, सुबह सुबह का मौसम, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30, और हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ से अभी 16-17 किलोमीटर और है पितृधार से तगर गांव, जो नीचे सगर गांव है, बेस जहाँ से यात्रा शुरू होती है रुद्रनाथ मंदिर की, वो सगर से होती है। तो आप सगर से आते हैं तो वहाँ पर अपनी पर्ची कटवा लें और उसके बाद ही इंटर करें, क्योंकि पनार जो बुग्याल है वहाँ पर चेक पोस्ट भी है वन विभाग का, तो वहाँ पर चेकिंग होती है, वरना आपकी पर्ची वहाँ पर कटेगी फिर से, यदि आप नीचे से पर्ची कटा के नहीं लाते हैं तो। है पितृधार, तो सभी आधे साथी पहुंच चुके हैं पितृधार पर और यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, तो उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे पनार बुग्याल की ओर। तो ये हैं अपने नब्बू भाई। तो पितृधार पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये है पितृधार। देखिए यहाँ पर सभी विश्राम कर रहे हैं अपने बर्थडे बॉय। तो आप यहाँ पर एक ग्रुप फोटो चल रही है, आ चुके हैं पितृधार से नीचे की ओर, आप जा रहे हैं पनार बुग्याल। तो अब हम जा रहे हैं पनार बुग्याल की ओर और यात्री लोग आ रहे हैं ऊपर से और नीचे से भी आ रहे हैं यात्री लोग। है शॉट आ गया तू, पहुंचने वाले हैं पनार बुग्याल पे और अभी हम पितृधार से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर सभी साथी। कोई लिमका पी रहा है, कोई ग्लूकोंडी पी रहा है, कोई इलेक्ट्रोल पी रहा है। तो एनर्जी बूस्टर लाना है साथ में, जब भी ट्रिप में आते हो आप यहाँ पे, कोई भी ट्रिप में चलते हैं तो एनर्जी बूस्टर लेके चलें। तो हमें अनिल भाई बताएंगे कि ट्रिप में क्या क्या ले जाना जरूरी है। इन्होंने बहुत सारे ट्रिप कर लिए हैं, इनने मधमेश्वर, तुंगनाथ, केदारनाथ और रुद्रनाथ हो गया, और तो इनने कार्तिकस्वामी टेम्पल, धारचूला नेपाल। तो इनने पंच केदारों में से 4 केदार पूरे कर लिए हैं, अब पांचवें केदार शायद ये कल पूरा कर सकते हैं, कल्पेश्वर। तो शायद हम क्या पता कल कल्पेश्वर भी जाएं, अगली वाली वीडियो में दिखाएंगे यदि जाएंगे वहां पे। ये है सामने पनार बुग्याल, ये वाला तो एक भाई आ चुके हैं हमारे, जो रुद्रनाथ से कूड़ा जितना भी है रास्ते में गिरा हुआ है, जो टूरिस्ट आते हैं तो अपना कूड़ा अपने साथ ले जाते और खा पी के छोड़ देते हैं रास्ते में ही। तो जब भी आप आए तो अपने जो भी खाने पीने की सामग्री है उसे साथ में भी ले जाएं। और देखिए यहाँ पर अपने भाई यहाँ पर जितना भी कूड़ा है उसको समेटते हुए। हैप्पी बर्थडे जी ना, तो यहाँ पर सामने देखिए इस पहाड़ी पे व्हाइट वाले गरुड़ दिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हैं। तो आप जब भी हिमालय क्षेत्र में आते हैं तो आपको अनेकों प्रजाति के जानवर एवं पक्षियां देखने को मिलेंगे। उतारने के लिए यहाँ पर थोड़ा डांस हो रहा है अब सभी भाइयों का, और कुछ आराम कर रहे हैं इधर, कुछ अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं थकान दूर करने के लिए। Oh, I've been made now.
तो अब हमारे कम्मू भाई भी आ चुके हैं ऊपर से। हर महादेव। पनार बुग्याल पे और हमारे साथ है हमारे नब्बू भाई। पनार बुग्याल ये नीचे, हम पितृधार से यहाँ आने में हमें लगा 1 से 1.5 घंटा। ये देखिए, और यहाँ पर वन विभाग की एक चौकी भी है। तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रा बेस कैंप ल्यूटी बुग्याल है इस तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं मोली खर्क पे, और यहाँ से 2 रोडें कट रही हैं, जो 2 ट्रैक हैं, जिस राइड से हम आए थे कल, और एक है इधर से ये वाली साइड जो सगर गांव पे मिलती है, और हम आए थे दूसरी साइड से। तो ये है सगर गांव वाली जो ट्रैक है, ये देखिए। तो यहाँ पर बूजी बना रहे हैं मैगी चूल्हे वाली। ये देखिए, यहाँ पर जलप्रपात हो रहा है और यहाँ पर सभी नहाने के मूड में हैं, तो यहाँ पर नहा रहे हैं। यात्रा की थकान यहीं पे उतारने के विचार में सभी। और ये देखिए, ये पहाड़ देखिए ऊपर कितने बड़े बड़े यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं नीचे सगर गांव के बगल वाले गांव पे, और वहां हमने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। देना हो या पंचीनाम देवा है, वो है सगर गांव नीचे। ये तो रुद्रनाथ मंदिर के लिए 3 ट्रैक है यहाँ से। एक बीच में है ये वाला बुग्याल जहाँ पे दिख रहे हैं, और एक उससे ऊपर वाला बुग्याल दिख रहे हैं, और एक इस तरफ से है जहाँ से हम जा रहे हैं। रिंगाल कहते हैं इस पेड़ को, और इसकी डलिया एवं अन्य डलिया होगी तो हमें गणेश भाई बताएंगे। और क्या नाम बोलते हैं, टोकरी, रोटी, टोकरी रोटियां रखने वाली टोकरियां बनती हैं इससे, निंगाल से। हाँ, क्राफ्ट वाली प्रोडक्ट भी बनते हैं इससे, जो लकड़ियों से, लकड़ी वाले जो दिखते होंगे बाजार में, वो रिंगाल से ही बनते हैं। तो ये है रिंगाल का पेड़, पूरा बांस की प्रजाति होती है। ये देखो, ये है बूबू जी का यहाँ पर खाने पीने का सेटअप। नब्बू इधर बैठा है। अब यहाँ से सगर गांव है 3 किलोमीटर की दूरी पर। अभी अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पे। इस रुद्रनाथ ट्रिप के बारे में वो 2 शब्द कहे। बहुत सुंदर। और हम सभी साथी इनको इनके जन्म दिवस के उपलक्ष में बधाई तभी देंगे जब हमें पार्टी मिलेगी। जीना जी अभी 2 शब्द बोल रहे हैं इस ट्रिप के बारे में। सभी अपने 2 शब्द कहो यार। मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। पहले तो हम इस ट्रिप में सभी लोग मिले, बड़ा अच्छा ट्रिप रहा है। ट्रिप सफर जैसा भी रहा, छोटे बड़ों के साथ मेरा जितने सब, आपको सब बड़ी है, कितने सीनियर मैं सीनियर हूँ, मतलब सीनियर सभी छोटे बड़ों से जो भी हुए मेरे से, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मतलब जो हमारे सब हुए, ट्रिप बहुत अच्छा था। ऐसे ट्रिप और बनाए और चलेंगे हम, और बाबा रुद्रनाथ रुद्रनाथ भगवान जी का सब पे आशीर्वाद बना रहना चाहिए, सबके प्रमोशन होना चाहिए, खुश रहे, मस्त रहे, सभी घर घर में सुख समृद्धि आए, सभी लोगों का उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।
पहले मुझे केक दो आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सभी ने बधाइयां दी। मैं उसके लिए दिल से महादेव से यही प्रार्थना चाहूंगा कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाए, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। बाकी क्या पार्टी आप जब जैसे कहोगे शाम को आपकी पार्टी हो जाएगी। एक कमेंट जी ने जो बहुत बेहतरीन काम किया वो ये कि वहाँ पे जाके उन्होंने जो व्यवस्था करी थोड़ा सा उसमें ये कर दिया, उन्होंने कहा पर उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा वो बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए मैं आपको एक पुष्प गुच्छी यहाँ से देना चाहूंगा। हम पहुंच चुके हैं कच्ची वाली रोड पे जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। तो अभी हमारे सारे साथी लोग आ चुके हैं नीचे, तो अब हम जा रहे हैं जहां पर मेन रोड है। हर इतनी गाड़ियां यहां पे हैं। यह ट्रिप कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड भारत माता की जय।